माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये समझ लेना कि माँ जो है वो आपके जीवन की दाहिनी है, उसने आपको जन्म दिया है। तो कहानी आपने सुनी होगी ना कि बेटा प्रेमिका के चक्कर में पड़ता है। तू खुश हो जा, तुझे क्या चाहिए, प्रेमिका कहती है, अपनी माँ का दिल निकाल कर ले आओ। तू चिंता मत कर, अगर तू खुश हो जाएगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इकलौता बेटा है, बूढ़ी माँ है, विधवा माँ है, पूरा जीवन इस बेटे के लिए दे दिया इस माँ ने। बेटा घर नहीं लौटा तो रात्रि में थाली लगा के बैठी है, जब आ जाएगा भोजन कराऊंगी तभी सोऊंगी। स्वयं ने भी भोजन नहीं किया, बेटा शराब इत्यादि पी के मदांत होकर रात में घर पहुंचा, बड़ा सा छुरी और चाकू लेकर के गया। डांटता हुआ कहता है, तू अभी तक सोई क्यों नहीं? कहती है, बेटा तूने भोजन नहीं किया ना, इसीलिए। चीखता है कि जाकर सो जा। माँ रोती हुई आंसू पोंछती हुई चली गई बिना भोजन किए, लेकिन अपने भोजन की चिंता नहीं है। कहती है, बेटा तू भोजन करके सोना, ऐसे भूखे मत सोना। माँ को नींद आई, इसने देखा माँ सो गई है और जाकर के माँ की छाती पर वही छुरी से वार करना शुरू कर दिया। जिस छाती से लगकर इसने दूध पिया था उसी छाती को गोदना शुरू किया, उस चाकू से उस छुरी से माँ के सीने को चीर डाला और वो मांस का सा लोथड़ा दिल निकाल करके खुशी खुशी दौड़ने लगा, मैं अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करूंगा। इसने एक पल में माँ को मार दिया, माँ मृतक हो गई। दौड़ रहा है खुशी खुशी, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और दौड़ते हुए ठोकर लगी, ये गिर गया, माँ का दिल भी गिरा, ये भी गिरा। लेकिन उस मरी हुई माँ के दिल से भी ये आवाज आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, तुझे चोट तो नहीं आई। यहां तक सोचती है वो माँ, कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है, अरे माता पिता का दिल ही एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है, मुफ्त में कौन दुआ देता है। माता पिता को घर से भी निकाल देते हो ना तब भी वो यही कहते, मैंने वृद्धाश्रमों में जाकर देखा है, वो कहते हैं हमारे बच्चे जहां हैं सुखी रहे, बस इतनी इच्छा है हमारी, खुद कष्ट भोग रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए फिर भी दुआ ही देते हैं। अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है।